नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए 12 जुलाई का डेली का करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूं, जो मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्वारो लोडारियो, जो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जान लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, अल्वारो लोडारियो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने गिलबर्ट होंगबो का स्थान लिया है। तो किसका स्थान लिया है? तो गिलबर्ट होंगबो का। IFAD का फुल फॉर्म हो गया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दिसंबर 1977 में हुआ। इसका मुख्यालय है रोम, जो कि इटली कंट्री है। तो कंट्री के साथ आप लोग याद कीजिएगा। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का डिवीजन करते हैं। तो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के नए अध्यक्ष हैं, इसका आंसर टी राजा कुमार। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, इसके नए अध्यक्ष हैं मोहम्मद हसन जलूद। इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहेनोम। हांग कांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन है? तो जॉन ली है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक है? तो वसीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वर्स्टैपेन, जो रेड बुल नीदरलैंड का है। कंट्री के साथ साथ याद करेंगे, जो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको ने फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है स्पिलबर्ग, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री के हैं। पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम जानते हैं? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका है मैक्स वेरस्टैपेन, रेड बुल नीदरलैंड। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो कलर्स सेज फेरारी, जो कि स्पेन कंट्री के है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इसका है सर्जिया पेरेज, रेड बुल मैक्सिको। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इसका है मैक्स वेरस्टैपेन, रेड बुल, इसका है नीदरलैंड। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इसका है चार्ल्स लेक्लर फेरारी, मोनाको कंट्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन और रूस। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास चीन और पाकिस्तान की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन स्थल हो गया संघाई तट, जो कि चीन कंट्री के है, और संस्करण है दूसरा। इसका थीम जानते हैं, थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद करते चलिएगा, जॉइंटली डीलिंग विथ मल्टी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्य प्रकृति के निरंतर विकास पर जनसंख्या वृद्धि के सभी नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका थीम हो गया ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए रिसिलियंट फ्यूचर ऑफ ऑल, हर्सेनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेज फॉर ऑल। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हो गया 2022, से 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है कीप
क्लेम स्टे वाइज एंड बी काइंड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 मनाया जाता है 9 मार्च को। इसका थीम है क्वांटिटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। उसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 मनाया जाता है 8 मार्च को। इसका थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। विश्व मोटापा दिवस 2022 मनाया जाता है 4 मार्च को। इसका थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुधाकर दलेला, जो कि भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया है। इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है। भूटान के बारे में जानते हैं डिटेल से, तो भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी है नगुलट्रुम। भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। भूटान के 4 राज्य भूटान से लगते हैं, जो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम और पश्चिम बंगाल। किस देश को लैंड ऑफ थ्रडर ड्रैंगर कहा जाता है? तो भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रीगियोस को हराकर 7वीं बार विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिला वर्ग में कजिकिस्तान का एलेना रैबाकिना ने ट्यूसिया की ओंस जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम जानते हैं, पुरुष युगल है जो मैथ्यू एवेंडेन और मैक्स पर्सेल है ऑस्ट्रेलिया के कंट्री के। महिला हो गया युगल, बारबोरा क्रेजी कोश और केटिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य। वही चेयर पुरुष एकल हो गया सिंगो कुनिदा, जो कि जापान कंट्री के है। वही चेयर महिला एकल है डाइडे डी ग्रोट, जो नीदरलैंड कंट्री के हैं। वही चेयर क्वाड सिंगल्स हो गया सैम श्रोडर, जो नीदरलैंड कंट्री के हैं। आयोजन स्थल है लंदन, जो कि इंग्लैंड कंट्री में है पड़ता है। इसका संस्करण हुआ 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भूपोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी NCR में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भूपोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा जान सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय हैं। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने भरत भूषण नागपाल का स्थान लिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1957 में और इसका मुख्यालय है गोवा। गोवा के बारे में डिटेल से जानते हैं, तो गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987 को। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधर पिल्लई। गोवा के मुख्य न्यायाधीश है दीपाकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा के लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 40। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, त्रंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैंप, जागोर, कोरेडिनहो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मुशल, घोड़े मोडनी,
क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 19 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो फरतोरा स्टेडियम है, तिलक मैदान स्टेडियम फुटबॉल। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सलोलिम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, गोडी, जो इंडिया कंट्रीज का है, हैदराबाद। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोडी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय नामक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारतीय पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जिन बैक्टीरियो में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती है और इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत, जो गुजरात में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ गुजरात के सूरत में किया है। इस सम्मेलन में हजारों किसान और अन्य हितधारक भी शामिल हुए हैं जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। पिछले टॉप 5 सम्मेलन का रिविजन करते हैं, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा ससागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ की हुआ है? तो इसका आंसर है मैड्रिड, जो स्पेन कंट्री के में है। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है शर्म अल शेख मिस्र। उसके बाद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। 12 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई स्वाधीनता संग्राम ना सूर्वियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी, जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र सेना लोग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है जाहवी लगैती। नेक्स्ट है 14 नंबर, 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 10 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक PNB रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस रक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर भारतीय वायु सेना। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अल्वारो लाडियो। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स लेक्लर, फेरारी मोनाको है। सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है चीन और पाकिस्तान। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 जुलाई। भूटान में भारत के अलावा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सुधाकर दलेला। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया कंट्री के हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में रहने वाले लोगों के लिए परिमाण
नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है तो इसका आंसर हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं तो इसका आंसर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है तो इसका आंसर है गोडी जो कि इंडिया यानी कंट्री हैदराबाद है। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है तो इसका आंसर है सूरत जो गुजरात में है। नेक्स्ट है श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका संबंध किस पार्टी राजनीतिक पार्टी से है तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई है स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय संस्कृति और राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र सेनालोग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है तो इसका आंसर है जाह्नवी डगती। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया है तो इसका आंसर है 10 जुलाई। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक ने PNB रक्षक माह नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस राज्य रक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका आंसर भारतीय वायुसेना। आज का डेली स्टैटिक जीके जानते हैं ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है तो इसका आंसर है पास्कल के नियम पर। हवाओं की ऊर्जा किस प्रकार की होती है तो केवल गतिज पर। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है तो ज्योति फ्लक्स का। SI पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है तो डायोप्टर है। सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है तो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश वेग अधिकतम होता है किस में तो निर्वात में। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है तो 0 डायरेक्टर। आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है तो परिकर्णन के कारण। पिछले 12 मंथ यानी जून के करेंट अफेयर्स का रिविजन करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो NJ ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय कहाँ उद्घाटन किया है तो इसका आंसर है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है तो इसका आंसर है YS जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है तो इसका आंसर है 12 जून। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है तो 121वें स्थान पर। शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दाविची 2029 नामक मशीन को किस स्पेस एजेंसी पर लॉन्च किया जाएगा तो इसका आंसर है नासा जो अमेरिका है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ के विधानमंडल द्वारा पारित किया है तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क जो अमेरिका के हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है तो इसका आंसर है चीन। संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाले बांग्लादेश की पहली महिला रजनयिका कौन बनी है तो इसका आंसर है रबाब फतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBL बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं तो इसका आंसर है R सुब्रमण्य कुमार। कल वाले प्रश्नों का टेस्ट हम रिविजन लेते हैं, 2 मिनट का टाइम देंगे, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल शर्मा। निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधारने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022 से 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर दिनेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह, जो गृह मंत्री है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेचा नॉक इथोन, जो थाईलैंड के है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परितोष त्रिपाठी। नेक्स्ट है, खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटिंग द ब्रेड द जेंज वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना बत्रा। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप करेंट अफेयर्स, 15 करेंट अफेयर्स, उसके बाद रिवीजन भी किया, स्टैटिक GK सेट भी किया, पिछले माह का करेंट अफेयर्स का रिवीजन भी किया और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन किए। थैंक्स सो मच वॉचिंग।